राम राम भाई। सारे भाइयों नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों भिवाणी आ रहे हैं और भिवाणी जो सेक्टर 13 है इसका पीछे स्कूल है आस्था स्पेशल स्कूल। तो आज प्रोग्राम था यहाँ पे भाई और जो यहाँ के संचालक हैं अपने साथ में उन तक बात करांगे, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। राम राम जी। राम राम। राम राम, स्वागत है भाई जी। राम राम जी। राम राम जी, स्वागत है सुंदर भाई आपका। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? देखो शुरुआत का बहुत बड़ा इतिहास है। स्कूल शुरू किया एक जुनून में शुरू किया गया था। मैं 13 वर्ष की आयु से 8वीं क्लास से ही नेत्रहीन बच्चों के साथ समर्पित हूँ। मेरी नानी ब्लाइंड थी, नानी की मैं पीड़ा देखता था, छुट्टियों में नानी के पास जीवन व्यतीत करता था। और जब 8वीं क्लास में पढ़ने के लिए माता पिता ने अच्छे स्कूल के लिए अच्छे शहर के लिए गंगानगर भेजा, तो वहाँ पे जाकर किसी ने बताया कि अंध विद्यालय देखने लायक है गंगानगर में। तो मैंने सबसे पहले अंध विद्यालय की विजिट करी, एडमिशन कहीं नहीं लिया और जाकर के देखा तो उस स्कूल में अपने आप को समर्पित कर दिया। अब दूसरा पड़ाव आ गया, एडमिशन कहाँ लूँ? तो मैंने फिर एडमिशन गुरुकुल में एडमिशन लिया, जाकर धोती कुर्ता का पहनाव शुरू कर दिया। और माँ बाप मेरे से 4 साल तक रुष्ट भी हो गए थे क्योंकि कर्मचारी की सोचता है कि मेरी औलाद अच्छी जगह शिफ्ट हो। तो मैंने उनके विपरीत भावना के खिलाफ काम किया और मैं अपने आप को समर्पित भाव से इन बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी जुनून के चलते 98 में लगभग एंड में मैंने जॉब ज्वाइन की, गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्प्रूवमेंट से डिप्लोमा करने के बाद। तो जब पहली सैलरी मिलती है तो मुझे संज्ञान में आया कि तेरा जुनून कहाँ गया। तो फिर मैंने उस घड़ी के अंदर 8 नेत्रहीन बच्चे गोद लिए और उन बच्चों को गोद लेकर 7 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचा दिया। एक बच्चा अभी बच रहा है, मंडाना गांव का है, उसको HCS और UPSC की तैयारी चल रही है। और उसके बाद में सोचा अब मैं क्या करूं, तो एक भिवाणी में निःशुल्क आस्था स्पेशल स्कूल का लोगो देकर शुरू कर दिया। और इस स्कूल के अंदर एक नेत्रहीन बच्चे, मूक बधिर बच्चे, बोधि अक्षम बच्चे और ये सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है बिना किसी सरकारी सहायता से। बस एक जुनून था। इस जुनून की कड़ी में श्रीमती सुमन शर्मा का मेरे साथ में अहम योगदान रहा, जो पत्नी एक जुनूनी बनकर आई और वो ये स्कूल जो पूरा है प्राचार्य और संचालक का रूप में संभालती है। ये हियरिंग इम्पेयर्ड से साइन लैंग्वेज जो होती है उससे स्पेशल ट्रेंड है जो इन बच्चों को डील करती है। बाकी और भी स्टाफ रख रखे हैं। इन बच्चों को जैसे सैलरी देनी है तो सैलरी जितना मानदेय देता हूँ स्टाफ को, टीचर को, तो वो लगभग मेरे खुद के संसाधनों द्वारा और समाज से कुछ अंश मात्रा में लगभग 18,500 रुपये समाज से मुझे मासिक डोनेशन आता है। इनका मिला करके और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ आ जाते हैं तो मैं इनका मानदेय दे देता हूँ। बस एक जुनून था कि धारा में लाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार क्यों कर रहा है, क्या स्वार्थ है, लोग सोचते हैं नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि यार शराब पीने वाला आदमी शराब पिएगा चाहे गुदड़ बेच के घर लाना पड़े। तो वो मेरा जुनून है जिसमें पत्नी ने रोल अदा कर दिया, तो मैं पीछे हटके नहीं देखूँगा कुछ भी हो जाए। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं यार सरकार से ले या आप काम ऐसा कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में आस्था स्पेशल स्कूल की पहचान है और इसके माध्यम से ऐसी पहचान बन गई, लोग ऐसे सोचने लगे सरकार का पैसा बहुत आता होगा। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ सरकार का स्कूल में 5 रुपये भी नहीं है जो बिना किसी सरकारी सहायता से चलाए जा रहे हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा। आप कह रहे हो 5 रुपये भी नहीं है, आपने सहायता मांगी? देखो मांगने की बात है, मैं सरकार से मांगने तो दूसरी बात करूँगा, पहले फाइल चलाऊँगा। जब फाइल हम रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल मांगते हैं तो फाइलों पे वजन रखना पड़ता है। मैंने संघर्ष किया है फाइलों पे वजन रखना पड़ता है तो पैसे का नाम आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्लर्क बैठे हैं तो मुंह परवा लेते हैं। मैं कहता हूँ मैंने प्रमाण नहीं दे सकता, मैं किसी आलोचना करना मूर्खता है। आज फाइल के लिए मुझे से पैसे मांग रहे हैं, आज ऐसे ऐसे एक्ट है जो आज सरकार ने मैं पैसा दूं तो आज रजिस्ट्रेशन हो जाए और पैसा नहीं दिया हुआ फाइल ऐसी कैसी चंडीगढ़ तक अटकी बैठी है। वो लोग कहते हैं आ जाओ यहाँ, वो क्यों बुलाते हैं, वो पैसे के लिए बुलाते हैं। अधिकारी कहते हैं IAS ऑफिसर अच्छा है, सरकार अच्छी है, लेकिन IAS ऑफिसर क्या करे। नीचे वाले कहते हैं पूर्ण आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है, पूर्ण नहीं है तो बस पूर्णता का लगा दें, पूर्ण भी है पैसा दे जाए, पैसा दे देंगे तो कागजों में पूर्ण अपना आप हो जाते हैं। लेकिन दर्द है और मैं कहता हूँ सरकार पैसा ना दे सरकार। लेकिन निवेदन सरकार से करता हूँ कि बार आपने रास्ता देखा होगा जहाँ आम आदमी चलना दूभर हो जाता है और वहाँ पे दिव्यांग बचे जाते हैं, सरकार रोड नहीं बनाती। देखिए मैं रोड के लिए निवेदन करता हूँ सबसे पहले, यह मार्ग नहीं है, शिविर पानी नहीं है, लेकिन ऐसे को साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मैं तो सभी से निवेदन कर चुका, मैं कमिश्नर तक लिख दिया, चंडीगढ़ तक लिख दिया, मैंने सोशल मीडिया पे छोड़ दी, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं रहा। तो
बात करेंगे सुमन मैम से। मैम देखो, सर ने बताया है कि मैम ने मेरा बिल्कुल साथ दिया है, तो मैम सर ने तो देखो इतना मेहनत की है, छोटे से थे उस टाइम से, तो आपको जुनून कैसे लगा है? सर सच बोलूँगी सुंदर भाई, शादी से पहले मुझे कुछ भी इस बारे में नॉलेज नहीं था कि भी ब्लाइंड बच्चों को भी, वो बच्चे भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे शादी हुई शर्मा जी के साथ, उसके बाद मुझे पता चला कि भी हाँ, ये बच्चे भी आगे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनकी जहाँ फर्स्ट पोस्टिंग थी, तभी से हम लोग स्टार्ट में साथ में रह रहे हैं मैरिज के बाद से। तब जैसे ये स्कूल टाइमिंग के बाद भी बच्चों को घर पे पढ़ाने जाया करते थे, तो मुझे कुछ दिन तो ऐसे लगा कि भाई टीचर्स होते हैं तो अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं घर पे, लेकिन इनकी कुछ टाइमिंग नहीं थी क्योंकि स्कूल टाइम के बाद ये बच्चों के घर पे चले जाते थे पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे नहीं क्वेश्चन कर पाई क्योंकि न्यूली वेडिंग थी, तो नहीं कर पाई। बाद में जैसे जैसे थोड़ा, तो फिर इनके साथ गई, इनके बच्चों के साथ अपना समय बिताया, बच्चों को देखा, तो मेरी अटैचमेंट अपने आप ही हो गई कि नहीं, मैं भी क्या कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। उसके बाद फिर मैंने फिर से अपने स्टडी को जारी किया, प्लस टू किया, फिर मैंने बीए किया, बीएड किया, और जी सर मैंने मैरिज के बाद अपनी स्टडी को किया है, और पूरे स्पेशलाइजेशन में ही मैंने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया है। जैसे शर्मा जी ब्रेल लिपि में एक्सपर्ट हैं ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने में, तो मैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो सांकेतिक भाषा होती है, इशारों की भाषा, मैंने उसमें अपनी स्टडी को आगे किया। और फिर मैंने ISL का कोर्स किया, इंडियन साइन लैंग्वेज का। तो मैं अब मूक बधिर बच्चों को पढ़ाती हूँ। जो भी आपका जो सिलेबस होता है, आप जो गाने होते हैं, जैसे आज आपने डांस देखा, वो पूरा गाना मैंने इन बच्चों को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया है, और ये बच्चे डांस कर रहे थे। कोई एक बार मतलब पूछने वाला, बल्कि एक क्वेश्चन उठा भी था, कहते मैम क्या वाकई में इन बच्चों को नहीं सुनता है? तो ये आज फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, कई बार होता है ये क्वेश्चन उठता है कि क्या वाकई में बच्चे नहीं सुनते। तभी से अब जैसे हमने 6 ब्लाइंड बच्चे गोद लेके उन बच्चों को पढ़ा दिया, उन बच्चों को आज वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, और उनकी शादियां भी हो गई है, वो बच्चे आज सेटल हैं। उन बच्चों को, ये बात स्कूल खोलने से पहले की बात है, जो 6 बच्चे हमने गोद लिए थे, उन बच्चों को हमने घर पे रखा है, मैंने खुद से मेरे हाथों से उन बच्चों का सब कुछ किया। तो आज भी वो बच्चे हमारी मतलब इज्जत करते। एक बार शाम को एक बार कॉल करके इतना पूछ लेते जी, बिल्कुल गए थे हम लोग शादी में। इतनी एक वाक्य बताऊंगी सुंदर भाई, कोसली से छुआ गांव है कोसली में, वहाँ विजय जी ने मेरी हमारी शादी से पहले ही उस बच्ची के साथ स्टडी उसको करवाना स्टार्ट किया था। तो जब उसके लिए लड़का देखने की बात आई, तो उसके पेरेंट्स ने सबसे पहला कॉल विजय जी के पास किया कि ऐसे ऐसे बात है, और हम बेटा इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आप ढूंढोगे? तो तब विजय जी ने ये बोला कि भी अगर आप इसमें कास्ट का कुछ देखोगे तो वो नहीं होगा। तो कहते नहीं जी, आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। तो लड़का देखने गए, तो भी विजय जी को साथ लेके गए। उसके बाद जो आगे शादी की जो भी सारी होती है, तो इनको आगे रखा। जब हम शादी में गए, तो हम ट्रेन से गए थे, तो कोसली से ऐसा लगता है, जब हम कोसली उतरे ना, तो उस बच्ची की सारी फैमिली आई हुई थी, और विजय जी की और मेरे मालाओं से हमारा इतना, हम इतने मतलब इमोशनल हो गए थे उस टाइम कि क्या बहुत ज़्यादा। वो बच्ची आज भी एक बार शाम को ज़रूर कॉल करके पूछती है, सर ठीक हो, मैम आप ठीक हो? तो एक वो लगता है कि हाँ, मैं एक एज ए मना की एज ए टीचर, एज ए मदर प्यार करती हूँ इन बच्चों को, कि ऐसा नहीं है कि मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे सारे बच्चे हैं। अब तो जैसे कोई पूछता है ना कि कितने बच्चे हैं आपके, तो जुबान से ऐसे निकलता है 62 बच्चे हैं, 2 मेरे और ये 60 मेरे ये बच्चे हैं जी। तो विजय जी, आज का जो प्रोग्राम था, ये इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? देखो आज के टाइम में आज प्रिया शीजा ही आई थी, और हम पहले इसको डिसाइड नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ जब आ गए उसमें कोई ठीक लगा उनको विशेष मुख्य अतिथि बना दिया। हम प्री प्लान नहीं, तो कई बार प्रोग्राम में सोचते हैं कि मुख्य अतिथि उसके लिए पैसे दे दे, लेकिन अपना एक उद्देश्य है कि भाई आइए आप देखिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं हिंदुस्तान में बिजनेस हैं, देखने बाद में पता चलता है कि आस्था स्पेशल स्कूल क्या बिजनेस कर रहा है, ये समाज के मुख्य धारा में लेना। मेरा समाज से ये निवेदन है, आप विजिट करिए। और आज हमने लुईस ब्रेल को मनाया, और लुईस ब्रेल कभी कोई जाना नहीं करता था कौन व्यक्ति है, आज वास्तव में प्री प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे भी जानते हैं कि लुईस ब्रेल कौन था, कौन से लिपि से पढ़ते हैं, हैं, तो ये बच्चे वास्तव में कुछ है। तो विजय जी, एक ब्लाइंड का ऐसे ही था, वो पढ़ाते थे, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई, तो पीछे से मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चों को 3-4 बच्चे रख रखे हैं,
और ऐसे मांगने जाते हैं रुपए और अपना धंधा चला रहे हैं जी जी। तो ये बात कितनी? हाँ, ये बात राइट बात है। मैं इस बात का पक्ष धरूँ कि मैं पहले कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जो बिजनेस ज़्यादातर है इन बच्चों की आड़ में सबसे ज़्यादा है। सरकार से पैसा लेते हैं, डोनेशन मांगने का काम करते हैं। मेरे पास दिन में 2-3 फ़ोन तो आते हैं, कह जी अंधों के नाम पे डोनेशन मांगने के लिए आए, क्योंकि मेरी एक पहचान जा रही है। तो मैं कहता हूँ भाई कहाँ से हैं, कह जी नांगलोई से हैं, कभी कहते हैं नजफगढ़ से हैं, कभी कहते हैं आपके कोंट रोड से हैं। क्या होते हैं कि ब्लाइंड का हाथ पकड़ लेते हैं। मैं खुद एक घटना सुनाता हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन पर मैं जाता था, रिवाड़ी इधर साइड में जाता था, तो एक लेडीज हट्टी कट्टी ब्लाइंड है, वो मांगने के लिए निकलती थी और 1 रुपये देते, 5 रुपये देते, वो आशीर्वाद देते थे, शुक्र है भगवान जी तेरा बच्चों को। तो मैं कहता हूँ बहुत गलत है, मुझे बड़ी विडम्बना हुई। तो मैं 2-3 दिन सुबह सुबह जा करके रेलवे स्टेशन पर बैठता था सीढ़ियों पर, कब मैं इसको छोड़ने के लिए कौन आता है और ले जाने के लिए कौन आता है। तो मैंने पकड़ा सुबह सुबह, एक उसके परिवार के लोग आ जाते थे छोड़ने के लिए, तो मैंने उसको बैठा के नहीं कहा, मैं 2500 रुपये पेंशन सरकार देती है, क्या इससे पेट नहीं भरेगा इसका? लेकिन ये लाचारी का फायदा खुद उठा लेते हैं। मैं सभी दिव्यांगों से निवेदन करूँगा कि जज्बे के साथ काम करिए। ये चंदा मांगने का काम ये अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको भी आप ऐसे उनको कहिए रियल कर रहे हैं ना करें, लेकिन खुद ना करिए तो ये समाज सुधरेगा। ब्लाइंड व्यक्ति खुद ने देखा है कि हाथ पकड़ करके चंदा मांगने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहता हूँ कि ब्लाइंड सरकार को पेंशन दे रही है, क्या उसे भत्ता नहीं उछल सकता? लेकिन क्यों कर रही है? क्योंकि लालच अंत लालच। हम ये ब्लाइंड बच्चे खुद कर लेते हैं या संस्थाएँ बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े संस्था बनाते हैं लोग, NGO बनाते हैं, सिर्फ पैसा लेने का काम करते हैं। CSR का फंड ले लिया, कभी कहीं से फंड ले लिया, सरकार को 20% दे के लिया, 100% की सब्सिडी दे दी। ये बहुत सारा मैंने मटेरियल देखा जो विडम्बना का कारण है। विजय जी 60 बच्चे हैं जी, तो 60 बच्चे भिवाणी से हैं या फिर बाहर से? हाँ, ये हमारे भिवाणी के हैं, दिनोद से है, बापोड़ा से हैं, शिवानी से हैं, और इधर बरवाड़ा से भी आता है बच्चा, बरवाड़ा वाला इधर तोसाम साइड में रहता है। तो ये बच्चे एक गाड़ी दे रखी है, एक ऑटो दे रखे हैं, ये लाते हैं और ले छोड़ जाते हैं। 2-3 बच्चे हैं मेरे पास रहते हैं घर पे जी। तो विजय जी जैसे कि बच्चे हैं ब्लाइंड हैं जी जी, तो इसकी जैसे काफ़ी बार जैसे उल्टी वगैरह भी या टॉयलेट भी, तो इसका कैसे? देखो ब्लाइंड बच्चे वास्तव में सामान्य से ज़्यादा बेहतर IQ होती है। ये बच्चे अगर उल्टी आएगी तो बता देते हैं, फ्रेश होना है तो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल के अंदर एक बार बताना होता है कि कहाँ टॉयलेट है, कहाँ पानी का स्थान है। बच्चों को ओरिएंटेशन स्कूल का दे दिया, अपने आप जाएगा आवाज़ के सहारे से, कोई इतनी दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ कि मुझे सामान्य बच्चे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे इन बच्चों के साथ में काम करना अच्छा लगता है। जी, एक ये और है कि जैसे कि बच्चा है, बड़ा हो रहा है, लड़की है, तो उसको ये भी सिखा रहे हो ऐसे सब्जी बनती है, ऐसे खाना बनता है? हम सिखाते हैं, सिलाई मशीन भी ला रखी है हमने, सिलाई का पार्ट भी है और होम साइंस का भी पार्ट है और ब्यूटी पार्लर का भी पार्ट है। अच्छा। लेकिन हम पहले सूक्ष्म तौर पर शुरू किया था, सूक्ष्म तौर पर चल रहे हैं। रोटी भी बना लें? हाँ, देखो रोटी का पार्ट हम शुरू करेंगे, कहते हैं होम साइंस का धीरे धीरे स्टेप वाइज। पहले हमारे साथ एक चुनौती थी कि जगह खुद की नहीं थी, वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर में स्कूल चलता था। अब लॉकडाउन के बाद में जैसे स्कूल खुले हैं तो नई बिल्डिंग में लगे हैं, तो अब मेरी इच्छा है कि इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से होम साइंस की ट्रेनिंग देना, अपना हेयरिंग कटिंग या बालों को संवारना संवारना, कपड़े धोना, घर के पूर्ण कार्य करना सिखाया जाएगा, सिलाई के संबंधित भी कार्य को पूर्ण करना सिखाया जाएगा, कपड़े धोना, उनकी तय करना, प्रेस कैसे करते हैं, ये सब सिखा रहे हैं। ब्लाइंड बच्चों को भी हम ये सिखा रहे हैं कि बेटा अगर आप प्रेस करोगे तो आपको किस सावधानी रखनी है और किस तरीके से करना है। हम इन हेयरिंग जो लड़कियाँ हैं उनको खुद को किस तरीके से रखा जाए, या जो भी गर्ल्स के आगे जो प्रॉब्लम आती है, सारी सारी प्रॉब्लम्स मैं बताती हूँ। इवन यहाँ तक है कि जो प्रॉब्लम्स गर्ल्स को आती है ना सुंदर भाई, वो अब वो गर्ल्स अपनी मदर की बजाय मुझसे आके शेयर करती है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इनकी मदर तो घर पर बैठी है, उसके साथ नहीं, मुझसे आके शेयर की है। तो अब मैं लड़कियों को सब कुछ सिखाती हूँ यहाँ पर आके। तो सुंदर मैम जैसे कि अपना स्कूल है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ किस तरह से खाना बनता है, किस तरह से बच्चे रह रहे हैं, तो इनसे भी मैं बच्चों से कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी सुंदर भाई, आप जो ब्लाइंड बच्चे हैं आप उनसे क्वेश्चन करोगे, वो आपका जवाब देंगे। जो हेयरिंग बच्चे हैं आप क्वेश्चन करोगे, वो मैं उनको साइन में समझाऊंगी तो उसका आंसर वो देंगे आपको। आप बिल्कुल देख सकते हो स्कूल में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सुंदर भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी सोशल मीडिया ऐसी मीडिया है जो समाज के उस कोने तक संदेश पहुँचाने का काम करती है, वो संदेश वास्तव में समाज पढ़ता भी है, आज सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं। सुंदर भाई हमारे इस प्रोग्राम में आप आए और मैं आभारी हूँ, और आप हमेशा आते रहे करो। मैं कहता हूँ कि जो आता है पहली बार वो अतिथि और बाद में संस्था उसके नाम समर्पित है। तो सर देखिए दोस्तों, मास्टर जी हैं, मैम हैं, तो क्या पता कि
1-2% जैसे झूठ भी बोलते हो, लेकिन आपते ही स्पेशल जो बच्चे हैं ना यहाँ के, उनसे बात करवाएंगे और जो भी है उनसे बात करके आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में।